सर कहिएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप? जी इस पर मैं ये कहना चाहूंगा, देखें फौज में एक मनजम इदारा है, इसमें अकाउंटेबिलिटी का एक प्रॉपर सिस्टम है, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, उसके तहत अगर कुछ चीज सामने आ जाती है, अगर वो छुपी रहे तो और बात है, लेकिन जब चीज सामने आ जाए, रिपोर्ट हो जाए, तो उसमें किसी किस्म की कोताही या माफी की गुंजाइश नहीं होती, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, और इन्वेस्टिगेट के बाद अगर एस्टेब्लिश हो जाए कि किसी भी शख्स ने, चाहे वो सिपाही है, चाहे एक वो आम ऑफिसर है या जनरल है, अगर उसने अपने अख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल किया है, हर साल फौजी अफसरों को अपने एसेट डिक्लेयर करने होते हैं, और उसमें साबित हो जाए कि इसने नजायज़ तरीके से कोई अपनी आमदन में इजाफा किया है, अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, तो एक अपने हमारा पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, उसके मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसके मुताबिक उनको सजा दी जाती है। ये माजी में भी बेशुमार मिसालें हैं जहाँ सीनियर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें सजाएं दी गई, 9 मई के वाकयात में अफसरों को सजाएं हुई जिसमें जूनियर ऑफिसर भी थे, सीनियर भी थे, जिनके खिलाफ इस्टेब्लिश हो गया कि इन्होंने कोताही की अपने ड्यूटीज़ में, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये भी उस सिलसिले की कड़ी है। अब इसमें देखें सबक ये है कि जो बाकी इदारे हैं फौज के साथ, जिनके साथ रियासत जुड़ी होती है और जिसको जो इदारे रियासत को मजबूत करते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें हमारा अदालती निज़ाम है ख़ास तौर पर, उन्हें भी चाहिए कि जब चीज़ उनके सामने आए वो जल्द इन्वेस्टिगेट करें और जल्द उसमें अपना वर्डिक्ट दें, जल्द सजाएं दें, ताकि लोगों को आइंदा ऐसी काम करने की जरूरत ना हो। जी रिजवान रजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कहिएगा कि अलाउद्दीन साहब पहले कह रहे थे कि काफ़ी टाइम दिया गया और आपने भी कहा कि पॉजिटिव लेना चाहिए और अब कार्रवाई शुरू की गई है काफ़ी टाइम के बाद, तो क्या आप समझते हैं कि इनफ टाइम था अपने आप को क्लियर करने के लिए केस में? देखिए वो जो केस उनके खिलाफ हुआ था वो तो ओपन एंड शट केस था ना, क्योंकि उस पूरे अमल के दौरान कुछ बेगुनाहों को भी डगड़ा दिया और बेगुनाहों के अंदर पाकिस्तान के मतलब के जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन भी शामिल थे, गलत एड्रेस की बुनियाद के ऊपर उनके घरों पे भी छापा मार के उनकी फैमिलीज को भी ह्यूमिलिएट किया गया था, तो सबूत तो बहुत थे, ये ओपन एंड शट केस था। मेरा ख्याल है कि इतनी ताखीर इसलिए हुई है कि उनको पूरा मौका फराहम किया गया कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकें इसी इब्तदाई मरहले के ऊपर, और अदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के ऊपर पूरी तरह इतलाक की बात कर सके। लेकिन बज़ाहर यही लगता है कि वो अपनी सफाई के अंदर सफिशेंट एनफ मटेरियल फराहम नहीं कर पाए, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये वाली बात जो है वो अगले मरहले पे चली गई है। अभी सिर्फ उनके कोर्ट मार्शल का ऐलान किया गया है, हो सकता है कोर्ट मार्शल के अंदर उनको बेगुनाह करार दे दिया जाए, या हो सकता है तमाम इल्जाम को तस्लीम ना किया जाए और जो इल्जाम हैं उनकी कम शिद्दत के ऊपर इक्तफा करते हुए उनकी कुछ सहूलियात वापस ले ली जाए, उनकी डिमोशन हो जाए या उनकी पेंशन जब्त कर ली जाए, किस तरह का कोई भी इकदाम हो सकता है। इसलिए जो बात फौज के बारे में हर्जा फराई करते रहते हैं उनको ज्यादा धुमाल डालने की जरूरत नहीं है। अदारे के अंदर जो सेल्फ कुरेक्टिव का मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हुआ है और उस निज़ाम ने अपना रास्ता लेना शुरू किया है। हमें सबको उस निज़ाम का एहतराम करते हुए उसे अपना रास्ता लेने देना चाहिए। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अनीक नाजी साहब आप कहिएगा कि जिस तरह से तारिक रशीद साहब भी कह रहे थे कि जल्द इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि दूसरों को भी इससे कुछ हासिल हो सके, दूसरों के लिए भी ये मिसाल बन सके, तो आप कितना समझते हैं कि इस निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है? अनीक नाजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, अभी आपको बताएंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रिजवान रजी साहब आप कहिएगा कि कितना चीज़ों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है इस ज़मन में? चीज़ें अपनी जगह के ऊपर मौजूद होती हैं और मेरे मबलग और महदूद इलम के मुताबिक वो जो निज़ाम है वो हर केस के साथ अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है और वो जो उस वक्त की जो होती हैं डिमांड्स होती हैं, जो उस वक्त की तरजीहात होती हैं, उसके मुताबिक अपने आप में
अपनी तस्हीह करता रहता है और ये इसी तस्हीह का नतीजा है कि एक ऐसे अहम ओहदे पे रहने वाले शख्स को मतलब कि वो सिपाही चीफ रहे हैं ना पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान की कौन सी हसास इंफॉर्मेशन होगी जो उनकी रसाई तक नहीं होगी, उनको अगर कटहरे में लाया गया है तो ये बड़ी मिसाल होगी आइंदा इन ओहदों पे आने वाले लोगों के लिए। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम अपने आप को चलेगा भी और चलते हुए खुद को करेक्ट भी करेगा। सर कहिएगा कि अभी तक आपने जैसे कहा कि वो अपने आप को क्लियर नहीं कर पाए तो ये अभी कार्रवाई शुरू हुई है, तो अभी उनके पास कितने चीदा चीदा पॉइंट्स हो सकते हैं कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर कर इस सारे केस से निकल सके? देखिए ये जो कोर्ट मार्शल जनरल होगा इसमें अगर खुदा न खास्ता इंसाफ के असूलों के मुताबिक उनको सजा होती है तो उसकी पहली अपील तो जाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास, तो अगर चीफ साहब भी उस सजा में कोई कमी बेशी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कानूनी तौर पे उनको ये इख्तियार हासिल है, लेकिन अगर वो हो जाती है वहाँ से भी उनको सजा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है ये वाली सजा, बल्कि नहीं हाई कोर्ट में जाती है और हाई कोर्ट से फिर अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो ये काफी उनको फोरम मिलेंगे अपना केस साबित करने के लिए और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए।